नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने गुरुवार को यानी कि कल ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 15 साल पूरे किए। उन्होंने इस मौके पर सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर कर खुशी जताई। वह चोटिल हैं और नेशनल क्रिकेट अकादमी यानी कि NCA में इससे उबर रहे। वहीं इस बीच एक मीडिया रिपोर्ट में रविंद्र जडेजा के पिता अनिरुद्ध सिंह जडेजा ने उन्हें लेकर कई चौंकाने वाले बातें कही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिरुद्ध सिंह जडेजा ने कहा है कि उनका अपने बेटे रविंदर और बहु पत्नी रिवाबा के साथ कोई संबंध नहीं है। वे हमें नहीं बुलाते हैं और हम उन्हें नहीं बुलाते हैं। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। 5 साल से उन्होंने अपनी पोती का चेहरा तक नहीं देखा। एक मीडिया आउटलेट से बातचीत में उन्होंने कहा कि शादी के कुछ महीने बाद ही रिवाबा कहने लगी थी कि सब कुछ उसका होना चाहिए, उसके नाम पर होना चाहिए। खासकर रिवाबा की माँ ही सब कुछ संभालती है, उनका हस्तक्षेप काफी अधिक है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रविंद्र जडेजा के पिता जामनगर में एक 2 BHK फ्लैट में 10 साल से ज्यादा समय से रह रहे। उन्होंने कहा कि हमने रविंद्र जडेजा को क्रिकेट बनाने में काफी मेहनत की है, उन्होंने चौकीदारी की। रविंद्र की बहन नयनाबा ने काफी मेहनत की, उसे माँ की तरह पाला। अब उसका नयनाबा के साथ भी कोई लेना देना नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अनिरुद्ध सिंह ने रिवाबा के परिवार को लेकर कहा कि उनको रविंदर की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमारे पास खेत, पेंशन और होटल है। उन्होंने कहा कि रविंदर अलग रहता है, उसकी पत्नी ने ना जाने क्या कर दिया है, उसकी शादी ना होती, उसे क्रिकेट नहीं बनाता तो अच्छा होता, हम इस हाल में ना होते। यानी कि आपने देखा कि रविंद्र जडेजा के पिता, भारत की स्टार खिलाड़ी के पिता ने अपने बेटे, अपने बहू को लेकर बड़े सारे आरोप लगाए। और सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा रविंद्र जडेजा की पत्नी के संस्कारों की खूब तारीफ की जाती है। IPL में जब चेन्नई की टीम जीतती है तो मैदान में जाके अपने पति रविंद्र जडेजा के पैर छूती है। और अब उनके ससुर यानी कि रविंद्र जडेजा के पिता का ये आरोप सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। और इसी बीच रविंद्र जडेजा का भी स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने इस चीज को पूरी तरीके से रब्बिश बताया। उन्होंने बोला ये नॉनसेंस है और ये एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू है, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये मेरी पत्नी का नाम खराब करने की एक कोशिश है, इसको ऐसी चीजों पे ध्यान ना दे। ये रविंद्र जडेजा का स्टेटमेंट है जो उन्होंने अपने नेटिव लैंग्वेज पे सोशल मीडिया साइट पे शेयर करी है। यानी कि भारत के सफलतम एक ऑलराउंडर और दुनिया के सबसे बड़े में से एक ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा मैदान पर तो बहुत सक्सेसफुल साबित हुए हैं, पर परिवार की कला की वजह से अभी वो थोड़े से ट्रोलिंग का भी सामना कर रहे हैं। अब देखना होगा कि बाप बेटे की लड़ाई और जो पारिवारिक कला है वो किस मोड़ पर जाती है। पर खबर तो यही है कि रविंद्र जडेजा के पिता ने अपने बेटे और बहू पे बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। अब इस आरोपों में कितनी सच्चाई है, क्या है, हमें नहीं पता, पर जो खबर थी हमने आपको सभी बताया। अब आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और भी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।